सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। गुड मॉर्निंग। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो रुके रहिएगा, और पुराने हैं तो देखते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, और नए होंगे तो अगर अच्छा लगेगा तब लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जी हाँ दोस्तों, देखिए हर टॉपिक जो जो इम्पोर्टेंट है एक क्रम से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग नोट्स बनाइए, उसमें एक क्रम से लिखते चाहिए। जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी अर्थात वही नवंबर या दिसंबर में, उसके बाद आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आपने बहुत कुछ पढ़ लिया। और उसके बाद जब दिसंबर से मैराथन क्लास शुरू होगी तो उसमें एक बार फिर से पूरा रिवीजन करवा दिया जाएगा और विस्तार से जल्दी जल्दी रिवीजन करवाया जाएगा। जब आप एक बार पढ़े रहेंगे तो रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर इसके पहले अर्थात कल वाला टॉपिक नहीं देखे हैं जो कि है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसको देख लीजिएगा। तो आज चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जी हाँ दोस्तों, तो उसके लिए देखिए सबसे पहली चीज़, तो इसमें एक मैंने एक शब्द बोला वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है पहले आप ये जानिए। तो वैद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, यही एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि अगर ये वैद्युत द्विध्रुव होता तो एक ऐसा निकाय है जिसके एक सिरे पर तो प्लस आवेश रहता और एक सिरे पर माइनस आवेश रहता। मतलब वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो दो समान किंतु विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है। समान और विपरीत मतलब अगर ये प्लस क्यों है तो ये माइनस क्यों होगा, ये माइनस क्यों है तो ये प्लस क्यों होगा। मतलब समान रहेगा क्यों यहाँ है तो यहाँ भी क्यों रहेगा, यहाँ अगर टू क्यों है तो यहाँ भी टू क्यों रहेगा। मतलब जो यहाँ रहेगा वही यहाँ भी रहेगा, केवल अंतर क्या रहेगा, चिन्ह अलग रहेगा, अर्थात अगर यहाँ प्लस टू क्यों तो यहाँ माइनस टू क्यों। ठीक, तो वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जो दो समान किंतु विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है और इनके बीच की दूरी बहुत अल्प होती है। ठीक, तो यही था वैद्युत द्विध्रुव। आज हम लोग जो पढ़ेंगे, आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो टॉपिक है निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जी हाँ दोस्तों, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आज हम लोगों का टॉपिक है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें देखिए सबसे पहली चीज, वही चीज जो मैंने वही मैंने कहा कि अगर आप फर्स्ट नहीं देखे हैं तो कल वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी है और ऊपर आई बटन, यहीं पे आई बटन बनी होगी वहां पर भी आपको मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहली चीज, तो एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका केंद्र क्या है, ओ है, और चूंकि दूरी अल्प है तो इसका मतलब कि यहां से यहां तक यल रहेगा और यहां से यहां तक यल रहेगा, तो 2L हो जाएगा। एक सिरे पर प्लस क्यों आवेश है, अर्थात इसको अगर आप A मानिए, इसको B मानिए, तो A पर आपका प्लस क्यों और B पर आपका माइनस क्यों है। अब देखिए ये तो था जब मैंने अक्षीय स्थिति में बताया था, तो यही अक्षीय स्थिति थी, वहीं पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना था। ठीक, लेकिन जब निरक्षीय स्थिति में निकालना है तो निरक्षीय स्थिति के लिए क्या करेंगे, देखिएगा निरक्षीय स्थिति के लिए, अगर निरक्षीय स्थिति के लिए निकालना है तो ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, ये हमारा है वैद्युत द्विध्रुव। और निरक्षीय स्थिति मतलब इसके केंद्र से, इसके केंद्र से r दूरी पर स्थित एक बिंदु है। कहां पर, इसके केंद्र से r दूरी पर स्थित एक बिंदु क्या है, एक बिंदु p है, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक भाई, अब इसमें हमको पता है कि वैद्युत द्विध्रुव में ये A है, ये B है, ये प्लस Q आवेश है, और या फिर ये
आप माइनस क्यों मान लीजिए, ये आप प्लस क्यों मान लीजिए, चाहे जो मानिए आप, चाहे इसको प्लस क्यों माइनस क्यों मानिए, चाहे इसको माइनस क्यों प्लस क्यों मानिए, वो वही रहेगा। ठीक, तो देखिए करेंगे क्या हम, चूंकि हमको पता है कि प्लस क्यों आवेश के कारण अगर हम बिंदु पी पर तीव्रता निकालें, तो चलिए देखते हैं। तो हमको पता है कि धन आवेश से दूर की ओर, तो अर्थात यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगी दोस्तों, अर्थात ये क्या ई फन, किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण। उसी तरह जब माइनस क्यू आवेश के कारण आप करेंगे, तो माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी, तो ऋण आवेश की ओर होता है ना, ऋण आवेश की ओर होता है, अर्थात ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका E2। ठीक, किसी को कहीं भी समस्या हो तो तुरंत बताइएगा। माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, और जब भी अगर इस तरह बनता है, तो इसका जो परिणामी होता है दोस्तों, इसका जो परिणामी होता है, अब चूंकि हम देख रहे हैं ये आपका क्या है E2 है और ये आपका E1 है, अगर आप चाहिएगा तो जहां चित्र बनाइएगा वहीं बगल में ये वाला चित्र भी बना लीजिएगा दोस्तों। तो ये आपका क्या है, ये आपका E2 है, ये आपका E1 है। तो दोस्तों होता क्या है, अगर आप एक पाई खींच दीजिए इसे, तो इसका जो परिणामी होगा दोस्तों, इसका जो परिणामी होगा यही बीच वाला होता है, अर्थात यही ई होता है। तो ये आपका क्या है, ये आपका दोस्तों थीटा है, तो आपका ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा ई वन कॉस थीटा और प्लस ई टू कॉस थीटा। ठीक, ई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ई वन कॉस थीटा और प्लस ई टू कॉस थीटा, यही हो जाएगा आपका परिणामी ई, ई का मान आपका यही हो जाएगा। किसी को कहीं भी समस्या हो तो आप कमेंट करिए, मैं आपका कमेंट देख रहा हूं, आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि यहां पे अगर कहीं समस्या हो, एक बार जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए, एक बार जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों इसको लिखेंगे कैसे, जैसे मैंने कल वाला करवाया था उसी तरह एक बार आप लिखिए इसको, मैं बता रहा हूं क्या लिखना है इसमें। सबसे पहले देखिए, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, यही लिखना है इसमें कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो कि एक परावैद्युतांक वायु परावैद्युतांक के पर रखा हुआ है, परावैद्युतांक के पर रखा हुआ है, इसके सिरे ए पर माइनस क्यू आवेश और सिरे बी पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। ठीक, क्या बोला हमने, एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके सिरे ए पर माइनस क्यू आवेश और सिरे बी पर प्लस क्यू आवेश है, इसका मध्य बिंदु ओ है जिससे आर दूरी पर स्थित एक बिंदु पी है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, इतना ही लिखना है, बस और कुछ नहीं लिखना, चित्र बनाना है, चित्र बनाने के बाद लिखना है कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके सिरे ए पर माइनस क्यू आवेश, सिरे बी पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, वैद्युत द्विध्रुव के बीच या मध्य बिंदु ओ है जिससे आर दूरी पर स्थित एक बिंदु पी है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, और जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे दोस्तों, उसके बाद क्या लिखेंगे, इसको मैं यहां पर बना देता हूं, ये हो जाएगा आपका ही। उसके बाद क्या लिखेंगे देखिएगा, सबसे पहले देखिए बिंदु ए के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु ए के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, बिंदु ए के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, तो जब यहां से निकालेंगे तो देखिए बिंदु ए ये है हमारा, बिंदु पी ये है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको पता है क्या है, ये E2 बराबर
वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू क्यू अपान आर स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो यहां पे हम लिखते हैं क्यू और यहां पे हम लिखेंगे आर। अब जब मान रखेंगे, चूंकि यहां देख रहे हैं कि इसका भी मान आर है हमारा, इसका भी मान क्यू है, स्मॉल में रख देंगे तो समझ नहीं आएगा, इसलिए हम इसको इस तरह लिख देंगे। अब देखिए क्यू आवेश आपका क्या है, क्यू है तो आवेश तो आपका यही रहेगा और बटे आर, आर का मान देखिए, आर का मतलब हो गया कि इसके बीच की दूरी, एपी का मान। अब एपी का मान निकालने के लिए हम इधर बगल निकाल दे रहे हैं, कहां से, त्रिभुज पी ओ ए, देखिए त्रिभुज पी ओ ए में, पी ओ ए में एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और समकोण त्रिभुज बन रहा है तो क्या हो जाएगा आपका, चूंकि हमको क्या क्या दिया गया, हमको लंब दिया गया है आर और हमको आधार दिया गया है यल। तो एक चीज हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएं हम, पाइथागोरस प्रमेय का मतलब यह हुआ कि 90 अंश के सामने की भुजा पर बना वर्ग अर्थात ए बी स्क्वायर शेष दो भुजा पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, पी ओ स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर। तो एपी, एपी का मान निकालना है, एपी स्क्वायर आप लिख लीजिए बराबर पी ओ, पी ये है ओ ये है, पी ओ स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर और प्लस ए ओ स्क्वायर मतलब यल स्क्वायर। तो यहां से अगर हम एपी का मान निकालेंगे दोस्तों तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर हो जाएगा, और यही एपी को जो हम आर लिखे हैं, यही आर हमारा क्या है, आर यानी कि जो ए से पी के बीच की दूरी है वो हमारी एपी है। अब एपी का मान हमको मिल गया, इसका मतलब ये हुआ कि ई टू बराबर वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों, इसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग एपी का मान निकाले उसी प्रकार अगर हम बीपी का मान निकालेंगे दोस्तों, इसका बीपी का मान निकालेंगे तो इसका मान भी यही आएगा दोस्तों, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। दोस्तों अगर आप इसका मान निकालेंगे तो इसका मान भी यही आएगा। ठीक, तो अगर जो है आप लोग नहीं देखे हैं तो इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग निकालते हैं ईवन का मान क्या होगा। ईवन का मान, ईवन का मान जब हम निकालेंगे तो सेम उसी तरह जैसे ई टू का मान निकाले हैं उसी तरह ईवन का मान निकालेंगे, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, क्यू अपान आर स्क्वायर। अब क्यों, क्यों की जहां पे तो हमारा क्यों रहेगा स्मॉल क्यों, यानी कि वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर, आर का मतलब पी बी, भाई आर का मतलब हुआ कि प्लस क्यू और पी के बीच की जो दूरी है वही आर होगी हमारी, तो इसके इसके बीच की दूरी पी बी है और पी बी का मान हम निकाले हैं कितना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और स्क्वायर लगा हुआ है तो इसलिए इसमें हम स्क्वायर लगा देंगे। शायद हमको लगता है ई टू का मान जब निकाले हैं दोस्तों तो वहां पे ये मान केवल डायरेक्ट ऐसे रख दिए हैं, वहां होल स्क्वायर नहीं किए हैं, उसको आप लोग कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ये हो जाएगा समीकरण दो और वो हो जाएगा समीकरण एक। अब देखिए दोस्तों, इसको मैं मिटाल दे रहा हूं, इसका काम नहीं है। अब चलिए हम सॉल्व करते हैं, अर्थात हमको मिल क्या गया, हमको दो चीज मिली, एक तो मिला है ईवन बराबर वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और ई टू बराबर मिला है वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। किसी को कहीं समस्या हो तो बताइए, हमको दोनों मान यही मिला है। अगर किसी को कहीं भी समस्या हो तो बताइए, दोनों मान हमको यही मिला है। अब देखिए हमने लिखा है क्या, ई बराबर ई वन कॉस थीटा और प्लस ई टू कॉस थीटा। किसी को कहीं भी समस्या हो तो कमेंट करिएगा और बताइएगा, एक एक लाइन में पूरा विस्तार से बता रहा हूं। अब देखिए हमको पता है कि E बराबर E1 प्लस E2 cos theta, ये है ना दोस्तों, वही चीज हमने लिखा है, E बराबर E1 प्लस E2
कास थीटा, किसी को कहीं भी समस्या हो तो बताइएगा दोस्तों। अब चलिए देखते हैं, बराबर है बराबर E1 यानी कि 1/4πε0 के इंटू Q/R² + L² प्लस E2 1/4πε0 के इंटू Q/R² + L². ये हो गया हमारा E1 + E2 की जहां पे आगे cos थीटा लिखा है उसको आप ऐसे लिख दीजिए। आगे चलिए, बराबर है बराबर 1/4πε0 के इसमें भी है, 1/4πε0 के इसमें भी है, इसको आप बाहर कर लीजिए। ये एक और ये एक यानी कि 2Q/R² + L² इंटू 1/4πε0 के इंटू cos थीटा। अब देखिए दोस्तों, ये है आपका cos थीटा, किसी को कहीं भी समस्या हो तो आप तुरंत कमेंट करिएगा। ये आपका है cos थीटा दिख रहा होगा। अब देखिए, जो हमारा समकोण त्रिभुज था, जो हमारा समकोण त्रिभुज था, हम अगर उस पर चलें तो हमारे cos थीटा का मान क्या हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, जो हमारा समकोण त्रिभुज था, जो पीछे हमने बनाया था, अर्थात ये हमारा था L, ये हमारा था R, ठीक, ये हमारा L था, ये हमारा R था, ये O था, ये A था, ये P था, किसी को कहीं समस्या हो बताइए, यही चीज तो हमारा था, यही चीज तो हमारा था। तो अब देखिए, cos थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। cos थीटा बराबर, हाँ cos थीटा बराबर देखिए लाल बटे कक्का ही होता है, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो अब हम cos थीटा यहां से निकालने चल रहे हैं दोस्तों, किसी को कहीं समस्या नहीं होनी चाहिए, अपने दिमाग में या यही चित्र रखिएगा। अब हम यहां पे cos थीटा का मान निकालने चल रहे हैं दोस्तों, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार तो हमारे पास है L, आधार क्या है L, और बटे कर्ण हमारे पास क्या है AP, और AP का मतलब क्या है √R² + L². अगर इसमें कहीं समस्या हो तो आप वीडियो बैक करिए, बैक करने के बाद वहां से हमने AP का मान निकाला था, वही चीज इसमें मैंने रख दिया है। क्या लगाया? cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण किया, आधार हमारे पास L था, कर्ण हमारे पास AP था, और AP का मान हमने निकाला है अभी, यही मान उठा करके हम यहां पे रखेंगे दोस्तों, यही मान उठा करके हम यहां पर रखेंगे। और जब यहां पर रखेंगे दोस्तों तो क्या आएगा देखिएगा, ये आ जाएगा हमारा 2Q/L² + L² cos थीटा जहां पर रखना हो दोस्तों, अभी इससे नहीं मतलब है, cos थीटा जहां पे L रखना था L हमने रख दिया, R² + L² रखना है अंडर रूट में, और अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, और इंटू अब आपका जो बचा है 1/4πε0 के, इसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। किसी को कहीं भी डाउट हो तो आप तुरंत पूछिएगा, उसके आगे दोस्तों मैं यहां कर रहा हूं। देखिएगा 2QL, अब हमको पता है कि 2QL किसका मान है? पी का, कल वाले में भी मैंने बताया था, यानी कि 1/4πε0 के इंटू पी अपान, देखिए गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये R² + L² की घात 1 और ये R² + L² की घात 1/2, तो जब इसको जोड़ेंगे आप तो R² + L² की घात हो जाएगी 3/2 दोस्तों, क्या हो जाएगी 3/2। अब देखिए, चूंकि हमको पता है कि जो L है, L एक अल्प दूरी है, ठीक, तो क्या लिख देंगे, लिख देंगे चूंकि L एक अल्प दूरी है, तो अल्प दूरी है तो इसलिए इसको छोड़ देंगे, अर्थात E = 1/4πε0 के इंटू P/R² की घात 3/2। तो अब 2 से 2 कट जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि आ गया E = 1/4πε0 के P/R³। जी हाँ दोस्तों, 1/4πε0 के P/R³। किसी को
कहीं भी समस्या हो दोस्तों तो बताइए, एक बार देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, एक बार देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, एक बार देख लीजिए, मैं नीचे कर दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक यही चीज है दोस्तों। तो क्या आ गया हमारा E बराबर 1/4 pi epsilon 0 के पी अपान आर क्यूब। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, कहीं भी कोई भी समस्या हो तो बताइएगा दोस्तों, और अगर जो है समझने में भी थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। अभी देखिए, अगर आप लोग इंटर की पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए जो एयरफोर्स वाली सीरीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि इंटर का मैक्सिमम सिलेबस आपको एयरफोर्स में मिलेगा। तो सबसे अच्छी जॉब और सबसे सरल जॉब एयरफोर्स की आपकी कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद।